being escorted towards the venue. ग्लावनी ब्रिज स्टेशन के लिए ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण एंड वी रिमोट एंड इनॉग्रेशन ऑफ 400 MVA ट्रांसफॉर्मर एट ग्लावनी डन फिजिकली एंड 50 MVA 132 बाई 33 KV ट्रांसफॉर्मर एट ग्लावनी इनॉग्रेशन एंड 50 MVA ट्रांसफॉर्मर आज कैनाल एंड 50 MVA ट्रांसफॉर्मर एट बड़ी ब्राह्मणा 1. एंड 50 MVA ट्रांसफॉर्मर एट जोड़िया. आप सबकी तालियां बहुत ज्यादा जोरदार हों तो अच्छा लगेगा. ये सब ही आप ही का कमाल है. एंड 50 MVA ट्रांसफॉर्मर एट अखनूर. जी हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, चेयरमैन JKPCL श्रीमान RP सिंह जी, श्री रोहित कंसल जी, श्री नितीश्वर कुमार जी, PDD के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, DC अंशुल जी, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों तथा मित्रों, पिछले कुछ महीनों से जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीज़न में लगातार बिजली की कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया जा रहा है. मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की प्रशासन की प्रतिबद्धता का ये द्योतक है. पिछले दिनों जितनी भी परियोजनाएं समर्पित की गई यहाँ की जनता को या जिनका लोकार्पण हुआ है, उसमें ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी का अपग्रेडेशन व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व का है. गत वर्ष जम्मू वासियों को गर्मी में बिजली की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी. उसमें अनेक कारण थे. उसके एक प्रमुख कारण जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था. उस वक्त की तमाम बैठकों में हम सब जम्मू के नागरिकों को यह भरोसा दे रहे थे कि आपका जो पसीना बहा है अगली बार न बहे, व्यर्थ न जाए, इसकी हम सब शिद्दत से कोशिश करेंगे. हमने लोगों से वक्त मांगा था. ये विरासत में मिली हुई समस्या थी और एक एक करके इसके समाधान की कोशिश की जा रही है. उन दिनों कुछ लोगों ने बिजली की समस्या के बारे में बड़ी चिंता प्रकट की थी. मैं समझता हूँ कि आम आदमी की चिंता बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन चिंता व्यक्त करने में वे लोग भी थे जो स्वयं इस चिंता को पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे. उनके भी बयान पढ़ करके कभी कभी मुझे हंसी आती थी कि जब उनको अवसर था तब उन्होंने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया. 70 सालों में पर्याप्त क्षमता के बावजूद जितनी बिजली का उत्पादन यहाँ होना चाहिए, किन्हीं कारणों से नहीं हो सका. बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, घरों में बैठ करके टिप्पणियां करने के अलावा ये जर्जर व्यवस्था कैसे सुधरेगी, मैं समझता हूं कि इस पर भी कोई अच्छी या मैं कहूं कि सूझबूझ वाली कार्रवाई नहीं हुई. अभी आपने वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा है, जम्मू डिवीज़न के इस मदर ग्रिड स्टेशन का पावर ट्रांसफार्मर 23 साल पहले
मैंने 1999 में लगाया गया था, 2008 में ये ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर लगे इसकी चिंता नहीं की गई, और मुझे लगता है कि उसी को किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत चलाया जा रहा था। नेताजी ने बताया कि बराबर ये भय सताता था कि एक दिन आ सकता है कि जम्मू अंधेरे में डूब जाए। अब सोचिए आप कि आबादी बढ़ी, शहर का विस्तार हुआ, लेकिन वर्षों से जम्मू वासियों को 150 एमबीए कैपेसिटी से वंचित रखने का सुनियोजित प्रयास मैं इसे मानता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की जो हम सबकी वचनबद्धता है, 14 वर्षों बाद गैलेडनी का ग्रिड स्टेशन, यानी इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पावर गेटवे ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू जम्मू, इसका नाम यही असली हो सकता है, अपनी पूरी क्षमता से यहाँ के लोगों को बिजली उपलब्ध करा सकेगा। बिजली के तकनीकी विवरणों में मुझे लगता है कि मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आम आदमी की भाषा में अगर कहूँ तो 1.5 दशक बाद ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू की 6 लाख से ज़्यादा आबादी के जीवन में एक बड़ा बदलाव इससे आने वाला है। और मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए खास है क्योंकि नागरिकों की सुविधा और प्रशासन की ईमानदारी का सवाल था। वीडियो प्रेजेंटेशन में कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है, इसके अनेक पहलू हैं जिनको ओझल नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये कि 40 करोड़ रुपए की लागत से 400 एमबीए का जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है उसे न सिर्फ रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, बल्कि मुझे बताया गया है कि जो डेडलाइन थी उसे 1 महीने पहले ही इसे कंप्लीट कर लिया गया था। इसके लिए मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने समय के पहले इस काम को पूरा करने में मेहनत की है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, तापमान लगातार ऊपर जा रहा है, और उसके पहले जम्मू के नागरिकों के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ा उपहार कुछ हो नहीं सकता। मुझे कल शाम को इस परियोजना के बारे में नीतीश्वर जी ने कुछ विवरण दिए थे जिसमें जानकारी दी गई थी कि 220 केवी लेवल के इस नए 400 एमबीए ट्रांसफार्मर के अलावा 132 केवी लेवल पर 50 एमबीए का एक और नया ट्रांसफार्मर गैलेडनी ग्रिड स्टेशन पर लगाया गया है, और जो काम हुआ है तकनीकी आधार पर अगर उसका विश्लेषण किया जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन काम हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साथियों ने किया है। गर्मियों के पीक समय के दौरान ये नई सुविधा तवी नदी के बाईं तरफ से गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, चन्नी, हिम्मत और आसपास के इलाकों में रिहायशी तथा कॉमर्शियल दोनों ज़रूरतों को पूरा कर सके। तवी नदी के दाईं तरफ अगर देखेंगे तो जो नागरिक बसे हैं वो आरोप लगाते थे कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कनाल ग्रिड स्टेशन में भी 132 केवी पर 50 एमबीए का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे दाहिने तरफ का जो इलाका है वो तालाब टिल्लो हो, मेडिकल कनाल हो, त्रिलोकपुर हो या आसपास के लोग हों, इस रिहायशी एरिया में रहने वाले लोगों को और कॉमर्शियल ज़रूरतों को भी हम पूरा कर सकें। स्वाभाविक रूप से जब गर्मी का पारा चढ़ता है तो इस इलाके में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, और मुझे विश्वास है कि ग्लैडनी ग्रिड स्टेशन तथा कनाल ग्रिड स्टेशन के कैपेसिटी ऑगमेंटेशन से जम्मू वासियों के लिए विद्युत सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था हो सकेगी। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि हर एक क्षेत्र में समान और समावेशी विकास हो। पिछले 1.5-2 वर्षों में का वक्त इस बात का साक्षी है कि प्रशासन ने जो भी कदम उठाए हैं
वो बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की भलाई के लिए उठाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई है जिसमें किसी भी पॉलिसी को लागू करते वक्त हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका लाभ विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। उत्तराधिकार में हमें एक ऐसी यूनियन टेरेटरी मिली है जहाँ आधारभूत संरचना को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, न ही देश के अन्य भागों की तरह औद्योगिकीकरण के प्रयास किए गए थे। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में देश तथा विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए तैयार हैं। निवेश की प्राथमिक शर्त यही थी कि हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता भी बढ़नी चाहिए और उस दृष्टि से पीडीडी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। रोहित कंसल जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, उस काम को आरपी सिंह जी ने जिस तरह से सबका उत्साहवर्धन किया है, तकनीकी इनपुट दिया है। और एक नाम मैं एक बार और लिया था, आज फिर मुझे दोहराना पड़ेगा नहीं तो कृतज्ञता होगी, जगमोहन शर्मा का, जिनके कारण मैं समझ पाया कि कठिनाई यहाँ है क्या। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि 28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अब तक प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीने में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ को क्रॉस करने जा रहा है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योगों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति हो सके इसके लिए बड़ी ब्राह्मणा ग्रिज स्टेशन में 50 MVA का ट्रांसफार्मर लगाकर इंडस्ट्री की डिमांड को भी पूरा करने का काम आज पीडीडी ने किया है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पिछले साल दिसंबर 2021 तक हम 231.5 MVA तक कैपेसिटी ऑगमेंट कर पाए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसे बढ़ाकर 601.5 MVA कर दिया गया है, जिससे जम्मू, सांभा, घट्टी के इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली व्यवस्था को सशक्त बनाने में हम सक्षम हो सके। मुझे बताया गया है कि पहले जब कोई छोटा मोटा उद्यम भी शुरू करना चाहता था तो उसे नया कनेक्शन मिलना ये बड़ी टेढ़ी खीर थी। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवश्य विचार करना चाहिए और उस अभिजात वर्ग के चंद लोगों को आत्ममंथन भी करना चाहिए जो तरक्की की बात करते हैं। कैपेसिटी एगमेंटेशन के अलावा 16 नए सब स्टेशन भी बनाए गए जो भी वर्तमान में चल रही इंडस्ट्री को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के साथ साथ नई इंडस्ट्री की जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। मैं मानता हूँ कि इस परिवर्तन से जम्मू से सटे इन इलाकों में नई आर्थिक प्रगति का जन्म होगा जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, रोजगार की अनंत संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। एक बड़ी सच्चाई है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे इस परिवर्तन से आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण लाभ आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। पिछले साल दिसंबर में सीमावर्ती गांवों में जाने का अवसर मुझे मिला था। उस दौरान चमलियाल सांवा में एक बात हमने कही थी कि सीमा से लगे गाँव और शहरों के बीच की जो खाई है इसे भी आने वाले दिनों में कम करने की कोशिश की जाएगी। हमें विकास की उस व्यवस्था को कायम करना है जो सर्वस्पर्शी हो, समावेशी, और उस योजना पर काम करते हुए 350 MVA के ट्रांसफार्मर जोडियां, अखनूर तथा कैनाल में स्थापित किए गए हैं। ये बॉर्डर के लगे गांवों के नागरिकों को समर्पित है और ये डेडिकेटेड फैसिलिटी बॉर्डर एरियाज़ के लिए 100 MW की अतिरिक्त क्षमता सुनिश्चित करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन बॉर्डर एरिया के किसानों और नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील है। अभी कठुआ में दशकों बाद फेंसिंग के उस तरफ किसानों ने खेती शुरू कर दी है। जम्मू डिवीज़न के बॉर्डर एरियाज के किसान भाइयों को पर्याप्त बिजली मिल सके इसके लिए 10 MVA कैपेसिटी के 3 नए रिसीविंग सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं और मैं पीडीडी के मित्रों से अनुरोध करूँगा इसे भी हम गलेडनी की तरह निर्धारित समय से अगर पूरा करेंगे तो उन लोगों का, उन नागरिकों का विश्वास जम्मू कश्मीर प्रशासन में और भारत देश में बढ़ेगा। मित्रों, वीडियो प्रेजेंटेशन में बहुत सी बातें विस्तार से बताई गई हैं,
इसलिए विवरण में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये उल्लेख करना आवश्यक है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सभी सिस्टम मॉडर्न हो और ऑटोमेटेड। ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। जितने भी नए ग्रिड सब स्टेशन बन रहे हैं, चाहे वो चवद्दी हो, नगरोटा हो, सांबा हो, कठुआ हो, या फिर कश्मीर डिवीज़न में लस्सीपुरा हो, खनियार हो, टेंगपुरा हो, हर जगह मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरी लगाई जा रही है सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में नए ग्रिड सब स्टेशन को जोड़ा गया है और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी की जा रही है। अभी पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने RDSS स्कीम को भी मंजूरी दी है, जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे और हम आने वाले दिनों में मजबूत बना सकेंगे। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। पिछले दो वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से 839 MVA ट्रांसफार्मर कैपेसिटी निर्मित की गई थी, लेकिन मात्र दो सालों में ये क्षमता बढ़ा करके 3806 MVA कर दी गई। जरा इस आंकड़े को एक बार गौर से देखिए, 70 साल में 8394, ये 70 साल की उपलब्धि है और दो साल की उपलब्धि उसकी आधा 3806 MVA, और आने वाले 6 महीने में ये स्थिति और बदलेगी। शहरी तथा ग्रामीण दोनों इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर देने से बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस बात का जिक्र मेहता जी कर रहे थे, मैं समझता हूं कि वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईमानदार उपभोक्ता को तकलीफ न पहुंचे, मैं समझता हूं कि इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। और उसी क्रम में जम्मू के 4 फीडर्स को हमने बिजली की कटौती से मुक्त किया था। श्रीनगर में भी 3 फीडर को हमने कटौती से मुक्त किया है। ये अभियान हमें लगातार आगे लेकर के जाना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा नैतिक दायित्व है कि जो बिजली विभाग को पैसा दे रहा है उसे तो बिजली मिलनी ही चाहिए। उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है जिसने वर्षों से बिजली का भुगतान नहीं किया। और ये जो हमारा संकेत नहीं कहूँ, जिस बात को मेहता जी ने कहा, ये 3400 करोड़ 3300 करोड़ का जो घाटा है, ये कैंसर की तरह हमें खाए जा रहा है। इसको जितना जल्दी हम इस गैप को कम कर सकेंगे, मुझे लगता है कि हम बेहतर व्यवस्था दे सकेंगे। जम्मू में 21 तारीख को उस अभियान की शुरुआत हुई थी, जिससे 6603 घरों अनवरत क्वालिटी पावर मिलने जा रही है। अगर कहीं कोई तकनीकी समस्या है तो बाधा आ सकती है, लेकिन उसका भी समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो। और श्रीनगर में 5900 कंज्यूमर ये स्मार्ट मीटर लग गए। मुझे पता है कि सप्लाई में स्मार्ट मीटर के थोड़ी दिक्कतें आ रही, लेकिन मेरी अपेक्षा होगी कि भारत सरकार में मैं भी व्यक्तिगत स्तर पर इसको परसू करूंगा। इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके इस काम को जितना समय सीमा के भीतर हम पूरा कर सकेंगे, मैं समझता हूँ उतनी ही बेहतर व्यवस्था हम दे पाएंगे। क्योंकि देश के ग्रामीण इलाकों 20-22 घंटे बिजली मिलना सामान्य बात है, यहाँ के लिए जम्मू और श्रीनगर में 22 घंटे बिजली मिलना ये बड़ी प्रसन्नता की बात। मैं समझता हूँ कि हम सब उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नहीं बल्कि सुदूर गांव में भी 20-22 घंटे बिजली हम दे सकें। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से हमें प्राप्त करना है। मैं जानता हूँ कि हर एक वर्ग की सामाजिक और आर्थिक अधिकार संपन्नता की आकांक्षा है। बुनियादी जरूरतें, सड़क, बिजली, पानी, ये न्यूनतम आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना ये हम सबका सामूहिक और नैतिक दायित्व है। अब जम्मू कश्मीर की सफलता का पैमाना हर एक क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर अब प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है, तो प्रण प्राण से जुट करके यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार हम काम करें। मैं फिर से PDD के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ
और आपसे अपेक्षा करता, अनुरोध करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जो कीर्तिमान आपने यहाँ बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये कीर्तिमान और भी जगह बने तो बड़ा आशीर्वाद जम्मू के नागरिक आपको देंगे, और असली मैं समझता हूँ कि वो आशीर्वाद ही आपको काम करेगा। अंत में चार पक्तियाँ कह करके, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों को परों की अब नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पर भारी है, कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।